बुंडू अनुमंडल में सोमवार को शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। बुंडू अनुमंडल में झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर पांच परगना के अमानत अली इंटर कॉलेज बुंडू, संत जेवियर इंटर कॉलेज बुंडू, तमाड़ इंटर कॉलेज के अलावा अन्य वित्त रहित विद्यालय के शिक्षक भूख हड़ताल पर रहे। शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक विकास कुमार मुंडा से मुलाकात कर अपने मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपे। विधायक विकास कुमार मुंडा ने शिक्षकों की मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने अली अल्लाह राफत, राजीव लोचन महतो, रंजीत मोदक, कृष्ण सिंह मुंडा, मयंक कुमार मिश्रा आदि शामिल थे। सिली प्रखंड में सोमवार को JSLPS की ओर से BPRP के तहत प्रखंड के सिल्लीडी गांव के चबूतरे पर ग्रामीण महिलाओं की एक बैठक आयोजित की गई। सिली प्रखंड के JSLPS की ओर से BPRP के तहत प्रखंड के सिल्लीडी गांव के चबूतरे पर ग्रामीण महिलाओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम संगठन के अध्यक्ष ने किया। बैठक में JSLPS की फैसिलिटेटर रिंकू देवी एवं मुमताज बेगम ने महिलाओं को गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों के हक और अधिकार, उनकी आजीविका, सार्वजनिक संसाधन की उपयोग, सामाजिक कुरूतियों को दूर करने के उपाय पर चर्चा की गई। इन विषयों पर ग्रामीणों ने भी गांव के विकास से सकारात्मक सहयोग का संकल्प लिया। ज्ञात हो कि JSLPS की ओर से पूरे प्रखंड के हर एक गांव में इस तरह की जागरूकता के लिए बैठक की जा रही है। इस मौके पर सक्रिय दीदी लाली, रमा देवी समेत काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। बुंडू अनुमंडल में ग्लाइसोल लुब्रिकेंट डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय का उद्घाटन बुंडू DSP अजय कुमार ने किया। बुंडू अनुमंडल में ग्लाइसोल लुब्रिकेंट डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय का उद्घाटन DSP अजय कुमार ने किया। साथ ही इस कंपनी में बुंडू मस्जिद मोहल्ला में डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अजय कुमार के कर कमालों द्वारा संपन्न हुआ। श्री कुमार ने कहा कि आशा करते हैं कि ग्लाइसोल लुब्रिकेंट अपनी गुणवत्ता में खरा उतरेगा, जिससे सारे वाहन की रखरखाव कर सुरक्षित वाहन का संचालन हो सकेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बुंडू थाना के दीपक कुमार, बुंडू अनुमंडल स्तर के डिस्ट्रीब्यूटर भरत मोबिल के संचालक अबू सईद अंसारी, कंपनी के लुब्रिकेंट इंजीनियर, मैनेजर, मैनेजर के अलावा मोटरसाइकिल मिस्त्री, गैरेज मिस्त्री, दुकानदार एवं बुंडू के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। पाँच सितंबर 2021 को हेसल रिंग रोड ओवरब्रिज, जो काफी संक्रिय 16 फीट का बनाया गया है, इसमें 5-6 गांव के लगभग 5000 लोगों को प्रतिदिन आना जाना पड़ता है। रविवार की इस बैठक में युवा नेता जगन लिंडा किस्टो कुजूर की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर बैठक की और यह निर्णय लिया कि किसी भी हाल में पुल चौड़ीकरण किया जाए, नहीं तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को तैयार हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पब्लिक पिटिशन बनाकर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, आयुक्त महोदय रांची, उपायुक्त महोदय रांची, DDC रांची, पुलिस अधीक्षक रांची, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक रांची, माननीय सांसद रांची, माननीय विधायक खिजरी, थाना प्रभारी अनगढ़ा को एक एक प्रतिलिपि दिया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगला बैठक के लिए प्रतिनिधि मोहम्मद एहसान को बनाया गया। मौके पर उपस्थित मिनहाज आलम, अब्दुल इमाम अंसारी, साबिर हसन, अबू रेहान अंसारी, प्रदीप पहान, नौशाद अंसारी, अंसार अंसारी, मोहम्मद एहसान, शकील अहमद, अमरूल अंसारी, हदीश अंसारी, संदीप लिंडा, बिरसा टोपो रोबोटेक का, राजेश कश्यप, हदीश अंसारी, विक्की मुंडा के अलावा सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित। मेरा कहना यही है, अपना नाम बता दीजिए। मैं अब्दुल इमाम अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंसी जिला का जिला सचिव हूँ और मैं बार बार इस आना जाना इस गांव में होते रहा है। तो मैं कई बार कई लोगों से कहा, समाजसेवी से, जनप्रतिनिधियों से, और इसमें उन लोगों में बहुत पहल भी की, और खासकर मैं एहसान अंसारी का शुक्रिया अदा करूँगा, उनके साथियों का, कि आज मुझे बुलाया और उनको एहसास हुआ कि जो संकीर्ण पुल है एक दिन के लिए नहीं है, ये 100 वर्ष के लिए है। और इस पुल से हमारे BIT जो करीब में है, और इस पुल से आना जाना खासकर जो होता है, चिल्दाग है, लुपुंग है, हेसल है, मासू है, बिड़वारी है, पिरतोल है, अनगड़ा हुआ, बहया हुआ, मासू हुआ, मंजला टोली हुआ, सुगनू हुआ, कादी टोला हुआ, यहाँ के ग्रामीण आना जाना करते हैं, मजदूरी करते हैं, आना जाना BIT में आना जाना करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिंग रोड के बगल में एक विद्यालय है जहाँ
आपका नाम है गोंदली पोखर उच्च विद्यालय, जहाँ 2000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं जो पहला क्लास से मैट्रिक तक पढ़ते हैं, जो काफ़ी प्रचलित है। ये डॉक्टर अमर कुमार चौधरी के देखरेख में स्कूल चल रहा है और यहाँ से बच्चे डिस्टिंक्शन मार्क्स से भी पढ़ रहे हैं। और स्कूल पतली होने के कारण, संकीर्ण होने के कारण वहाँ के HM का भी दुर्घटनाग्रस्त होकर पैर टूटा है और कई बच्चे भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, ग्रामीणों का भी हुए। इसको देखते हुए इस जनहित मुद्दा है, इस मुद्दा का मैं NHI विभाग के निदेशक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पुल का चौड़ीकरण मात्र। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।